एक ऐसी सेलिब्रिटी से जो हमारे पाकिस्तान का एक रोशन नाम है और हमें हंसाते भी हैं, हम अगर दुख में हो तो हमारा दिल भी लुभाते हैं। द वन एंड ओनली एक कॉमेडियन जो ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनली भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते रहते हैं, जफरी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशा जी, कैसी हैं आप? मैं ज्यादा हंस रही हूँ, आप सीरियस हैं? क्या कॉमेडियन रियल लाइफ में ऐसे होते हैं? नहीं, मैंने पूछा आप कैसी हैं। मैं ठीक हूँ, लेकिन इतने सीरियस क्यों हैं आप? नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि इंटरव्यू हमेशा कहते हैं सीरियस होकर देना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, फनी फनी इंटरव्यू, फनी मैं कहती हूँ, जान दो जो जुगतना आ रही है आन दो। अच्छा, मुझे ये बताएं, बदनाम थे आप? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपको थिएटर में घुसने नहीं दिया जाता था। नहीं, घुसने क्यों नहीं देता, सोना ही एड्डा समय। नहीं तो थिएटर में क्या लड़कियां होती थी जो मर जाती थी, अपने बाजू काट लेती? नहीं, बाजू नहीं काटती थी। एक्चुअली प्रोड्यूसर को होता है, उसने सारी टीम सारी कास्ट अपने लिए बनाई होती है। अच्छा। तो जो को अननोन बीच में आए तो उसको एक फीलिंग होती है कि ये किस चक्कर में आया हुआ है। जेलसी फैक्टर, शायद जेलसी भी हो सकती है। अच्छा। इस वजह से था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। इंशाल्लाह अगर मैं उस टाइम उस चक्करों में उधर गया होता तो आज यहाँ ना बैठा होता। मैं शुरू से ही काम के लिए घर से निकला था और आज भी काम ही कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अपनी अगली जिंदगी में भी काम ही करता रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रगल में कोई ऐसा दिन गुजरा जिसमें आप भूखे सोए हो? नहीं, भूखे तो नहीं सोए थे हम, लेकिन कम जरूर खाया था। अच्छा। वो इसलिए कि हम शुरू से लाहौर के ही रहने वाले थे, जितनी भी स्ट्रगल होनी रात को 12 1 2 बजे 3 बजे तो घर ही चले जाते थे। तो वो घर में ये होता था कि ऐ बचिया पे है। अच्छा। अब्बू ने खा लिया, बहनों ने खा लिया, भाई ने खा लिया, या जो भी हुआ तो वो इस तरह होता था। बाकी खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब रोज खाते थे। वो तो अब हम देख रहे हैं ना, अब तो आप वो क्या कह रहे हैं, तूड़ा पुटियां हैं। मतलब जो आपके साथ कोई कमी रह गई है माजी में, अब आप पूरी कर रहे हैं। नहीं, वो चूंकि मुझे ना भूख बहुत कम लगती है, तो वो इसलिए मैं जो चीज खुद बनाता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मैं सही खा लूंगा। अच्छा। इसलिए बस वो अपने शौक शौक के लिए कि ऐसे होना चाहिए यार, वो ऐसे होना चाहिए, तो वो ऐसे सोच सोच के ऐसे ही वो बनाना शुरू हो गया मैं तो। इंशाल्लाह आपने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है। हाँ, मेरे घर वाले कहते हैं कि खाना हम बना रहे हैं, बस तू जरा डोई दो बारी फेर दे तो खाना टेस्टी हो जाएगा। यानी आपके हाथ में टेस्ट है, वो कहते हैं ना बनाने वाले के हाथ में जायका होता है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप पे ना एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपकी हर बुरी चीज भी चल जाती है, वो होती है आपके पीछे एक दुआ। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बड़ी बात कही। तो मैं समझता हूँ कि कोई काम करने से पहले, स्ट्रगल करने से पहले आपको एक दुआ ढूंढनी चाहिए। अगर वो आपको दुआ मिल जाए ना, चाहे वो आपकी माँ की हो, बहन की हो, आपके हमसाये की हो, आपकी चाची की हो, आपकी ताई, जिसकी एक दुआ आपको चाहिए कुछ बनने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे काम का तो पता नहीं, लेकिन मेरे खाने में मेरी मोटरसाइकिल तो नहीं खुला गया। जब पहली सैलरी मिली तो कन्वेंस कौन सी, वो उसमें क्या आ सकता था, साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मतलब ये कि तब 100-200-300 रुपया ड्रामे का मिलता था हमें, और वो जब कहीं कर्टन खुलना तो हम जैसे एक्स्ट्रा लड़के खड़े होते हैं कि ओ यार ये क्या कर रहे हो, किराए पे घर लिया आपने। अच्छा। तो आप इतना शोर करो, चलो चलो बाहर निकलो, तो वो बाहर निकाल देते। तो उसमें वो 200-300 रुपया, मतलब 150 रुपया भी मुझे मिला हुआ है 16 दिन के ड्रामे का। तो उस वक्त उस 150 की वैल्यू अगर देखी जाए तो आजकल के पैसों में क्या? माशाल्लाह 4 घर लाए सनो दे, दो गड्डियां ले आ, नहीं, नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूं किलो सोना ले आ सी उस वक्त का, उदों भी यही हाल सी मैडम। अच्छा अच्छा, नहीं कहते महंगाई उस वक्त नहीं, नहीं महंगाई उस टाइम वो पैसे भी तो उतने थे ना। जैसे कि जब मैं मतलब 10,000 महीना कमाता था तब 20,000 पे मरला जमीन थी। ओके, यानी कि आप तो 2 महीने में एक मरला तो बना सकते, ठीक है ना। अब जब हम एक मिसाल है कि 5 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का, या 4 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो अब जमीन 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मरला है। लोकेशन के हिसाब से ज्यादा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आज हम इतना कमा रहे तो हमने क्या किया, हर चीज वक्त के साथ साथ जो है ना वो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। मेरे नाना अबू कहते हैं कि मैंने पहली भैंस खरीदी थी 9 रुपए की। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना को दूध देती थी। अच्छा, माँ की दुआ तो होती है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, नो डाउट, लेकिन हमें पता होता है कि हमने जिंदगी में कहाँ कहाँ अच्छा किया है, कहाँ कहाँ बुरा किया है। तो आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान गुजरा हो जिसकी दुआ लग गई हो आपको?
नहीं, अगर मैं ऐसे हिसाब करने पे आऊँ तो बहुत हजारों लोग निकलेंगे। अच्छा। वो इसलिए कि जफरी खान ने अपनी लाइफ को बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, मैं जिस रिक्शे पे जाता था ना, मैं उसको कहता था गड़ी शो से सदर कैंट जाना कितने पैसे, वो कहता था 15 रुपए। अच्छा। तो मैं कहता था नहीं, मैं 10 रुपए दूंगा। वो कह रहा नहीं, इन्हें जो 12 नहीं खाना। मैं कहा नहीं, मैं चल 12 रुपए बस। अच्छा। तो कहना बाबू जी देख लो तेल बड़ा महंगा हो गया है। तो मैं कहता था नहीं बस मैं 12 रुपए दूंगा। मैं देने उसको 15 ही होते थे, लेकिन उसको तंग करके थोड़ा। नहीं तंग नहीं करके, वो जब मैं 3 रुपए अचानक दूंगा ना, वो उस खुशी और उससे उससे दुआ निकलेगी। हाँ। मैं कहूंगा कि बाबा जी ए तुहानू मैं 15 ही दिते ने, तो कल मेरा ड्रामा शुरू हो रहा है, तो मेरे लिए दुआ करना। मैंने ना दुआएं बटोरी है, दुआएं इकट्ठी की है। मैं मतलब माँ बाप की दुआ या बहन भाई की दुआ, आपके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनकी दुआ होती ही होती है, बिल्कुल होती है। तो अब आप क्या समझते हैं, जो एक वो मतलब चिंची चला रहा है या वो गधा गाड़ी चला रहा है या कोई साइकिल पे कोई फ्रूट बेच रहा है, तो क्या आया कि उसकी माँ बाप उसके लिए दुआ नहीं करती होगी। लाइफ जीने के ना 100 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 खाने हैं। अच्छा। उन खानों में आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आप जहाँ काम करते हैं वो हैं, आप जहाँ बैठ के खाते हैं वो है, जहाँ आप उठ के जाते हो आते हो वो सब हैं। आपने तरक्की करने के लिए कम से कम 65 खाने चित करने होते हैं। ओके। यानी कि 65 नेकियां लेनी है। यहाँ से याद आया कि जैसे आपको पता है हम जिस फील्ड में है, यहाँ पे टांग बड़ी खींची जाती है, तवक्कल नहीं है लोगों का, मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी रहा होगा इन चीजों का सामना। मुझे आज तक इस चीज की कभी टेंशन ही नहीं आई। मैं अभी रिसेंटली लाहौर से ज्यादा बाहर काम करता हूँ, वो मैं जहाँ पे जाता हूँ तो बिल्कुल अननोन लड़के होते हैं। आप यकीन करो मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को ये पूछा ही नहीं है कि मेरे साथ टीम कौन सी है। अच्छा। या मैं जिस जगह ड्रामा करने जाता हूँ तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि सामने थिएटर में कौन कौन है। ओके। वो इसलिए कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, जहाँ जफरी खान होगा ना वहाँ सिर्फ जफरी खान ही होगा। तो फिर अगर जफरी खान आर्टिस्ट ना होता, कॉमेडियन ना होता, तो आज क्या होता? दर्जी हुंदा और की होना सी मैं। वाकई? या शौक है कपड़े सीने का? शौक नहीं, मेरे अपनी शॉप थी, मैं बड़ा अच्छा कारीगर हूं इस काम का। आपको पता है आजकल डिजाइनर्स तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बस मैं भी अपना ब्रांड शुरू करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं कोई रेस्टोरेंट का अपना ब्रांड शुरू करूं। क्या क्या शुरू करना है? रोटी भी शुरू करने लगे, कपड़ा मकान भी शुरू करने, तीनों चीजें जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती, रोटी कपड़ा और मकान। मैं कहना तीन ब्रांड बना दिए। आप लोगों में बैठ बैठ के ना मेरा भी थोड़ा दिमाग खुल गया है कॉमेडी के हिसाब से, मैं तो लाइक में कर रही होती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि चल रहा है ड्रामा आपका, ऑडियंस में से कोई हैवी जुगत आ गई हो और जवाब ही ना दे पाए हो आप? नहीं, खैर ये तो कभी नहीं हो सकता कि जवाब ना दे पाए। वो इसलिए कि वो समा एक ऐसा होता है, वो एक टाइमिंग ऐसी होती है कि वो जो 300-400 लोग जो ऑडियंस है वो आपको देखने के लिए आ रही होती है, वो सिर्फ आपको फोकस कर रही होती है कि जफरी खान है, ठीक है ना। वो हॉल में से कोई जितनी मर्जी पक्की बात करे, तो हम अगर आगे से उसको ये भी कहना कि वे हिलाए और फिर अपनी यारी, तो वो हमें भी उससे बड़ी कलैप आती है। ये कभी कि हमें आर्टिस्ट ने जवाब दिया, मुंह लगा लिया। हाँ, वो इस तरह होता है। तो ये कभी भी नहीं हुआ कि हम एज ए रिएक्टर बन के उसकी बात को बड़ा कर रहे हों कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कभी नहीं हुआ कि हम पानी पानी हो गए हों या जवाब ना आया हो। नहीं नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कामयाब होने के लिए कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए इंसान के पास? पसीना भी साफ कर लें, क्योंकि हम ना अपनी तरफ से, मैंने अपने गेस्ट को बिठाया था ग्राउंड में कि हम ठंडी हवा में करेंगे शो, लेकिन ये हुआ कि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, ऊपर से लाइट्स की। आईने में अपने आप को देखो क्या, और फिर मेरा पसीना निकलना जायज है। मार दिया जुगत। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जितना ज्यादा पसीना है ना इंसान उतना खूबसूरत होता है। लेकिन इतना नेचुरल मेरे कश्मीरी गाल आपके भी बने हुए हैं, और आप तो हैं भी, अंदर भी जाके अली मैं रिकॉर्डिंग करनी है। कामयाब होने के लिए हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इंसान में कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली तो उसकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, इखलाक, डेफिनेटली उसका इखलाक अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए, सबर जी। तीसरा बोले कम, तो फिर आर्टिस्ट कौन कहेगा उसको? अपने स्टेज पे बोले, जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे बोले, मतलब अपने तक कायम रहना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। सालन च नमक बहुत तेज पाएगा, ले मैं हुणे करना, मैं ते इंज ते मैं इंज, ले केड़ी गड्डी मैनू देती या फलाना, मतलब एक वो कहते, अगर आपने कुछ बनना है तो हमेशा मेरी एक बात आप याद रखना कि लड़ाई झगड़ा वो डालता है जिसने वहीं रहना हो। हां, नाइस।
जिसने आगे जाना हो ना उसको कोई टेंशन नहीं होती। तो मुझे इसलिए कभी भी किसी जगह पे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा मैं एक ट्रेन हूँ, मैंने चलते जाना है, लोग आएंगे मेरे साथ जुड़ेंगे बैठेंगे, मैं जा रहा हूँ। यानी सफाइयां नहीं देनी चाहिए, आप अपना काम करो। आप अपना काम करो, आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखो कि क्या चल रहा है। चल ये नहीं कि भी कोई मुनाफकत कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, उसके हालात कैसे हैं, उसने खाना खाया है या उसने पानी पिया है। मतलब कि आप एक जगह पे बैठे हो तो आप एक मतलब कि एक ब्रांड का बर्गर खा रहे हो या आप वो चिकन पीस खा रहे हो, तो वो साथ वाले ने 6 दफा पूछ लिया कि यार प्रोडक्शन की रोटी नहीं आई, प्रोडक्शन की रोटी नहीं आई, तो क्या जी हाली आ रही है, घंटा है। मैं इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे मैं इन चीजों से परहेज करता हूं। मैंने आपकी नेचर देखी हुई है, आप जब सेट पे होते हैं तो आप कुछ भी अपने लिए मंगवा रहे हो, तो आप 10,000 लोगों से पूछूंगा। अगर वो सब कहेंगे तो वो मेरे लिए खुशी का इसलिए होगा कि वो मेरा रिजक बढ़ेगा।